साल 2014 के लोकसभा चुनाव में खुलकर नरेंद्र मोदी का साथ देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने आगामी 2019 चुनाव से पहले एक विवादित बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मदुरई में रामदेव ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण है, हम कह नहीं सकते कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इतना ही नहीं, स्वामी रामदेव ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समर्थन को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि न मैं किसी का समर्थन करता हूँ न ही विरोध करता हूँ। हमारा उद्देश्य सांप्रदायिक या हिंदू भारत बनाना नहीं, बल्कि हम एक आध्यात्मिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इससे पहले बाबा रामदेव ने साफ कर दिया था कि 2019 में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो राजनीति से दूर रहेंगे। 2014 में उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी का साथ इसलिए दिया था क्योंकि तब संकट का समय था और अब वो संकट का समय नहीं रहा, इसलिए अब वो सर्वदलीय भी हैं और निर्दलीय भी। बाबा रामदेव ने कहा था कि मैं हमेशा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करता हूँ। मेरी राजनीतिक भूमिका ये सुनिश्चित करने के लिए सीमित है कि देश अच्छे लोगों द्वारा शासित है। मैंने खुद को राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे अन्य मुद्दों के लिए समर्पित किया है, इसलिए मैं खुद को गैर राजनीतिक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो भारत माँ की सेवा में है। हाल ही में बाबा रामदेव एक निजी चैनल की यूथ कॉन्क्लेव में भी शिरकत किए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने की बात से बिल्कुल इनकार कर दिया था। बाबा रामदेव ने युवा कॉन्क्लेव में बोला कि मैं सर्वदलीय हूं और निर्दलीय भी। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना लोगों के मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी कठिन मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बाबा रामदेव के इस बयान के बाद बीजेपी में खलबली मचती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो बाबा रामदेव के इन विचारों पर आपका क्या है कहना, जरूर बताएं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर अब तक आपने नव प्रवाह लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नव प्रवाह लाइव।